आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स सो फर्स्ट मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन है फ्रॉम द एल्केन बाय फ्री रेडिकल हलोटिनेशन ठीक है जो एल्केन है उसकी क्या करवानी है आपको फ्री रेडिकल हलोटिनेशन करवानी है और वो कैसे करवाओगे अब देखो यहाँ पर एल्केन रिएक्ट्स विद एक्स टू दैट मीन्स ये हलोजन है इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू एच न्यू क्या है यू वी लाइट जो होती है ठीक है उसकी प्रेजेंस में आपका एल्केन रिएक्ट करेगा विद द एक्स टू दैट मीन्स हलोजन के साथ एंड सेकेंड मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जब भी जहाँ पर भी एच एन यूज़ होता है दैट मीन्स कि उसमें फ्री रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट होगा ही ठीक है क्योंकि जो लाइट होती है वो फ्री रेडिकल जनरेट करती है आउट ऑफ द सब्सट्रेट ठीक है तो दिस इज़ डन बाय द फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ये एक्चुअल में ठीक है सो हम इसमें एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं बेसिक एल्केन हमने लेना है जो कि है हमारा सी एच फोर और एक्स टू हम ले, ले लेते हैं सी एल टू ठीक है सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू जो कि लाइट है आपकी अब ये क्या करेगी इसमें से क्लोरीन एंड हाइड्रोजन यहाँ से माइनस एच बाहर निकल जाएगा ठीक है बाद में हम मैकेनिज्म में देखेंगे कैसे होता है और यहाँ पर आपको सी एच थ्री बचा एंड सी एल मिल जाएगा एंड अगेन अब एक चीज़ क्या है आपके पास ये जो रिएक्शन है ना ये यहाँ पर स्टॉप नहीं होती अगर आप चाहो कि यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाए तो ये नहीं होती है ये क्या होगा फर्दर रिएक्शन मिक्सचर में सी एल टू प्रजेंट होगा सी एल टू एंड एच न्यू के प्रेजेंस में ये फर्दर रिएक्शन अनस्टॉपेबल हो चलती रहेगी फिर से आपका सी एल एंड एक एच निकल जाएगा एच सी एल निकल जाएगा एंड यहाँ पर सी एच टू सी एल टू एक और क्लोरीन लग जाएगा ठीक है फर्दर क्या होगा फर्दर ये रिएक्शन फिर से चलेगी सी एल टू एन एच न्यू की प्रेजेंस पे फिर से आपका यहां पे एक एच कम कर दो एंड एक क्लोरीन आप लगा दो यहां पे नाउ दिस इज सी एच सी एल थ्री सी एच सी एल थ्री क्या होता है क्लोरो फॉर्म और आपको पता होना चाहिए ये क्लोरोफॉर्म होता है ठीक है अब यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं रुकेगी क्योंकि एक हाइड्रोजन अभी भी है अभी भी सब्सटीट्यूशन हो सकती है ठीक है सो क्लोरीन एंड एच न्यू फिर से पिक्चर में आएंगे एंड ये क्या करेंगे फिर से एक जो हाइड्रोजन लास्ट था उसका सी सी एल फोर बना देंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड ठीक है हम यहाँ तक पहुँचे अब क्या है कि ये जो मेथड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये उतना रिलायबल uh, नहीं होता है ठीक है इतना रिलायबल इसको नहीं माना जाता है क्यों क्योंकि इसमें से हमें कोई एक पर्टिकुलर हेलो अल्किन नहीं मिल रहा है अगर तो ये रिएक्शन यहीं तक स्टॉप हो जाती और हमें सी एच थ्री सी एल मिलता सो so, फिर तो ये अच्छी होनी थी रिएक्शन ठीक है बट ये क्या है इसमें हमें मिक्सचर मिल रहा है मिक्सचर किस किस चीज़ का मिल रहा है जैसे सी एच थ्री सी एच थ्री सी uh, मिल जाएगा आपको ये वाला भी मिल जाएगा थोड़ा क्लोरोफॉम मिलेगा थोड़ा आपको सी सी एल मिलेगा इस वजह से ये उतनी फेवरेबल उतनी अच्छी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ़ॉर द हेलो एल्केन्स नहीं मानी गई है ठीक है अब ये नेक्स्ट चीज़ देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन हम क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन की बात कर रहे हैं ठीक है ऑफ एल्केन्स ठीक है गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स ठीक है विच इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड ये भी वही बात कर रहे हैं कि जब हम फ्री रेडिकल हलोजिनेशन करवाते हैं एल्केन की तो हमें प्योर जो सब्सटेंस है प्योर एक कंपाउंड है वो नहीं मिलता रादर उसके मिक्सचर मिलते हैं या फिर समटाइम्स आइसोमर्स भी मिलते हैं अब हम आइसूमर्स दे, देखते हैं कैसे मिलते हैं अब ये तो हमने बहुत बेसिक सा सी लिया था ठीक है अब हम लेते हैं थोड़ा सा बड़ा एल्केन सो so, हम यहाँ पर लेके देखो मैंने लिया है सी एच थ्री सी एच टू एंड सी एच टू एंड सी एच थ्री दैट इज़ प्रोपेन थ्री कार्बन वाला प्रोपेन अब मैंने क्या करा एक बार मैंने रिएक्शन करवा दी जैसे सी एल टू एच नी की प्रेजेंस में ठीक है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन जो पहले किया है अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपके पास दो चॉइस है हलोजनेशन की आइदर दिस कार्बन क्योंकि देखो ये जो सी एच थ्री है ये सी एच थ्री है वो आपके आइडेंटिकल है तो दोनों में से कहीं पर भी हलोजिनेशन हो जाए वो एक ही बात है ठीक है या तो यहाँ पर साइड एक्सट्रीम वालों पे हो जाए हेलोजिनेशन या आपका यहाँ पर बीच में हो जाए हेलोजिनेशन ठीक है तो हमारे पास दो आ गए तो हम दोनों देख लेते हैं ठीक है थीके? तो दो ऑप्शन पर हम देखेंगे क्या क्या बनता है अगर तो क्लोरीनेशन आपकी इस वाले कार्बन पर हो रही है एक्सट्रीम वाले पे हो रही है तो आपका क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू एंड यहां पर एक हाइड्रोजन निकाल दो दैट सी एच टू एक हाइड्रोजन यहां से निकालो और क्लोरीन लगाओ तो आपका ये क्लोरीन बन गया ठीक है और इसको क्या कहेंगे आप इसको कहेंगे वन टू थ्री वन पे क्लोरो है one, क्लोरो और क्या हो जाएगा मीथ ही प्रोप प्रोप और एम क्योंकि आपकी ये सेचुरेटेड है ठीक है आपका एक ही बन गया अब नेक्स्ट में क्या आता है यहाँ के बजाय यहाँ पर भी तो क्लोरिनेशन हो सकती है मिडल में तो ये सेकेंड वाले में आप बीच वाले में क्लोरिनेशन करोगे तो इसकी जगह अगर क्लोरीन लगेगा एक हाइड्रोजन हटेगा तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बना दैट इज़ टू सेकेंड पे क्लोरीन है टू क्लोरो ठीक है एंड प्रोपेन आपका वैसे ही रहा ठीक है अब हमें देखना है हमारे पास दो चीज़ें बन गई यहाँ पर ठीक है अब ये क्या होगा वही वाली चीज़ आ गई कि जब क्लोरिनेशन हो रही है तो आपके आ, क्या कहते हैं आइसोमेरिक फॉर्म्स मिलेगी आपको आइसोमर्स मिल सकते हैं अब येस दे आर आइसोमर्स क्योंकि एक यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में क्लोरीन है यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन में है तो दीज आर आइसोमर्स ये हमें जो मिले हैं आपके पास वो आइसोमर्स मिले हैं उनका मिक्सचर मिला है एक नहीं मिला है अब ये देखना है कि इनमें से मेजर कौन सा है एंड माइनर कौन सा है अब यहाँ पर देखो हम हमने पहले देखा था जब भी एच न्यू के साथ आपकी रिएक्शन होगी जब ही एच न्यू के साथ आपकी रिएक्शन होगी तो आपका फ्री रेडिकल पिक्चर में ज़रूर आएगा ठीक है फ्री रेडिकल आ रहा है तो यहाँ से ये देखो कि यहाँ पे ना क्लोरीन को एक तरह से भूल जाओ और यहाँ पे फ्री रेडिकल लगा दो ठीक है और यहाँ पर भी क्लोरीन को भूल जाओ और यहाँ इसके ऊपर फ्री रेडिकल लगा दो ठीक है इसको भूल जाओ फ्री रेडिकल लगाओ अब देखो कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है ये फ्री रेडिकल है आपका वन डिग्री फ्री रेडिकल ठीक है वन डिग्री रेडिकल लिख लिया मैंने ये क्या है आपका अगर आप क्लोरीन को हटाओगे ये है टू डिग्री रेडिकल ठीक है रफली मैं ये कर रही हूँ अगर इसको आप हटाओगे वन डिग्री टू डिग्री बन गया तो आपको पता होना चाहिए रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है कि टू डिग्री जो रेडिकल होता है ठीक है टू डिग्री जो रेडिकल होता है दिस इज़ मोर स्टेबल देन द वन डिग्री रेडिकल वैसे ही थ्री डिग्री इनमें से भी और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ठीक है ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए उसके बेसिस पे देखो जो ये टू डिग्री रेडिकल से जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा रातर आपका जो ये वन डिग्री रेडिकल से आपको प्रोडक्ट मिला है सो आपका ये मेजर हो गया मैं इसको मेजर लिख लेती हूँ और ये जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट ठीक है अब हमने ये वाला कर दिया अब इसके बाद हम चलते हैं बेसिकली इसके मकैनिज़म में कि इसकी मकैनिज़म किस तरह से होगी ठीक है मैकेनिज्म के लिए मैंने सपोज एक रिएक्शन ये वाली ले ली कि रिएक्शन इस तरह से होगी ये रिएक्शन ले ली तो क्या होता है ध्यान से देखना जो क्लोरीनेशन है ये हलोजे है फ्री रेडिकल वाली उसमें थ्री स्टेप्स होते हैं बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या होता है इनिशिएशन स्टेप इनिशिएशन स्टेप में क्या हो जाएगा कि आपका जो ये क्लोरीन है जो रिएक्ट कर रहा है उसको आप ले लो ठीक है क्लोरीन आपने ले लिया मैंने खोल के लिख लिया इसको अब ये क्या होगा एच न्यू के प्रेजेंस में जो कि लाइट है इसे तोड़ देगा इसके क्या करवा देगा आपकी होमोलिटिक होमोलिटिक क्लीवेज अब होमोलिटिक क्लीवेज क्या होती है कि जब भी आपका बॉन्ड जब टूटे तो इन सच अ वे टूटे सो दैट जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है ईच एटम को इक्वल इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए सो so दैट देखो अगर ये बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिकली दैट मीन्स क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिला एंड क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिला ठीक है अब इसकी वजह से होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से यहाँ पे हमें टू फ्री रेडिकल मिले वो भी क्लोरीन के ना ये इनिशिएशन स्टेप था अब सेकंड आता है प्रोपोगेशन स्टेप प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा अब ये जो फ्री रेडिकल है ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फर्दर रिएक्शन को एक चेन रिएक्शन की तरह चलाता रहेगा अब क्लोरीन क्या होगा जो आपका एल्केन था उस पर जाके लग जाएगा उसके साथ रिएक्शन करवाएगा तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया ठीक है अब क्या होता है ना कि जो ये क्लोरीन रेडिकल है अब रेडिकल को रेडिकल ही चाहिए होता है सो दैट वो बॉन्ड बनाए क्योंकि एक रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरा रेडिकल ढूंढेगा सो दैट कंबाइन करके वो एक बॉन्ड बना दे ठीक है अब ये क्या करेगा ये बोलेगा कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेडिकल निकलेगा और वो क्लोरिन के रेडिकल के साथ मिल के बना देगा एंड यहाँ पर आपका सी रेडिकल एज इट इज पड़ जाएगा ठीक है इसमें ये करा अब क्या हुआ सी एच थ्री रेडिकल आपका आ गया अब अब देखो रिएक्शन मिक्सचर में क्या है क्लोरीन अबंडेंस में है आपके पास अब क्या होगा जो ये सी एच थ्री रेडिकल है ठीक है सी एच थ्री रेडिकल है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा मैंने खोल के लिख लिया इसको ठीक है अब ये क्लोरीन क्या होगा आपका यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बन जाएगी होमोलिटिक लेवेज होगी एंड ईच के पास एक एक रेडिकल मिला और यहाँ पर भी एक रेडिकल था तो रेडिकल रेडिकल कंबाइन करके क्या बना सी एच थ्री सी एल प्लस सी एल रेडिकल आपके पास मिल गया ठीक है अब क्या होगा अब दो चीज़ें हो सकती है या तो ये जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है या तो ये फिर से ये वाली चीज़ करे जैसे कि फ्री रेडिकल सी एच फोर के साथ रिएक्ट कर जाए ठीक है या फिर ये ऐसे भी हो सकता है जो इसका को प्रोडक्ट इसके साथ में फॉर्म हुआ है उसके साथ फर्दर ये रिएक्शन कर दे और ये एज इट इज़ इसको मैं यहाँ पे इसलिए लिखूंगी क्योंकि इसकी रिएक्शन इसके साथ हो रही है ठीक है अब ये आ गया सपोज़ मैं ये यहाँ पर जो थ्री हाइड्रोजन्स है उसमें से एक को एक को मैं इस तरह से लिख लेती हूँ ठीक है अब क्या होगा इसका भी क्लेवेज हो जाएगा होमोलिटिक क्लेवेज हो जाएगा यहाँ पर H रेडिकल आया यहाँ पे CH2Cl रेडिकल आएगा ठीक है अब क्या होगा एच रेडिकल Cl के साथ minus HCl बना देगा एंड बाकी कौन सा रेडिकल बचा CH2Cl CH2Cl आपके पास एक रेडिकल मिल गया ठीक है अब इसके बाद क्या होगा जैसे यहाँ पे रेडिकल है पड़ा हुआ जब अकेला रेडिकल हो तो वो क्या ढूंढेगा ऑब्वियसली कार्बन का जो रेडिकल है वो क्लोरीन के साथ फिर से रिएक्ट करेगा ठीक है क्लोरीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा मैंने यहाँ पे आ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सी एच टू ठीक है इस तरह से एंड प्लस क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट करेगा फर्दर क्या होगी होमोलिटिक क्लीवेज होगी इसकी ठीक है होमोलिटिक क्लीवेज होगी और ये पहले से रेडिकल है तो ये इसके साथ लग जाएगा एंड आपका बनेगा आपका सी एल टू ठीक है सी एच टू बन गया एंड क्लोरीन दूसरा जो बचा हुआ था वो आपका सी एल रेडिकल आ गया ठीक है अब क्या होगा अब देखो यहाँ पर फिर से ये दोनों रिएक्ट करेंगे उसी तरह से आपकी चेन रिएक्शन चलती रहेगी फिर से ये रिएक्ट करेंगे तो क्लोरीन एंड क्लोरीन को मैं इस तरह से लिख लेती हूँ ठीक है और सी एच में से एक एच को मैंने ऐसे लिख लिया एंड प्लस आपका सी एल रेडिकल लग गया साथ में अब फिर फर्दर क्या होगा कि यहाँ से फिर फ्री आ, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गए एंड एच सी एल आपका निकल जाएगा ठीक है एंड यहाँ पे कितना बच गया यहाँ पे आपका एक और फ्री रेडिकल बचेगा जो आपका सी एच ये वाला रेडिकल होगा ठीक है इसी तरह से मैं फर्दर स्टेप्स नहीं बताऊंगी क्योंकि प्रोपोगेशन में अगर एग्ज़ाम में आए तो आप सिर्फ यहाँ तक भी बता सकते हो प्रोपोगेशन स्टेप्स को ठीक है फर्दर ये स्टेप्स चलते रहेंगे अगर चलो अगर आपको जानना ही है तो ये देख लेते हैं कि फर्दर ये क्या करेगा सी एल सी एल सी एल सी एच रेडिकल एंड सी एल अब ये क्या करेगा फर्दर क्लोरिन के साथ रिएक्ट करेगा एंड उसके बाद क्या होगा सी एच सी एल थ्री मिल जाएगा एंड उसके बाद क्लोरीन का रेडिकल मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्लीवेज हुई है ठीक है एंड लास्ट में क्या होगा लास्ट में ये दोनों फर्दर रिएक्ट करेंगे सी एच सी एल थ्री एंड प्लस इसके साथ क्लोरीन अगर रेडिकल मैं लिख लूँ तो ये क्या होगा ये ये लास्ट वाला हाइड्रोजन भी लेके निकल जाएगा माइनस एच सी एल निकल जाएगा एंड आपको ये क्या मिलेगा सी सी एल फोर एंड रिएक्शन यहाँ जाके आपकी स्टॉप होगी ठीक है ये हुआ प्रोपोगेशन और प्रोपोगेशन चलता ही रहेगा ठीक है और एट लास्ट क्या होगा टर्मिनेशन स्टेप दैट मीनस एंडिंग स्टेप टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा कि टर्मिनेशन मतलब एंडिंग uh, कैसे हो सकती है जब कोई रेडिकल्स मिल जाए क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रही है ना ये रेडिकल की वजह से ही हो रही है क्योंकि रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है वो ढूंढता रहता है दूसरी स्पीशी को सो so दैट वो बॉन्ड बना ले टर्मिनेशन स्टेप में क्या हो सकता है या तो जैसे ये क्लोरिन क्लोरिन फ्री रेडिकल है या तो ये आपस में मिल जाएंगे और आपको सी दे देंगे या फिर क्या हो सकता है जो ये कोई भी सी जैसे है कि सी रेडिकल है किसी और मिक्सचर में जो सी एच रेडिकल पड़ा होगा उसके साथ मिला के आपको सी एच दे देंगे और ये क्या हुआ आपका दिस इज द इथेन और समटाइम्स पूछ लेते हैं आपको कि बताओ कि कैसे इथेन की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन ठीक है ये आपकी हो गई मैकेनिज्म जो कि टर्मिनेशन स्टेप इसका लास्ट स्टेप है आ, फिर से मैं बताऊंगी आपको कि ये उतना अच्छा मैथड uh, नहीं है प्रिपरेशन का बिकॉज़ इसमें आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं ठीक है ठीके? और इसी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये एग्जाम में आ जाती है कि बताओ कि रेट ऑफ़ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्केन से एल्केन का क्या इफेक्ट पड़ेगा अब देखो रेट ऑफ़ रिएक्शन का मतलब क्या होता है रेट इज़ मेन टू बी द स्पीड स्पीड होती है रेट कि स्पीड ऑफ़ रिएक्शन कम होगी या ज़्यादा होगी अगर हम डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्केन्स ले लें एल्केन्स का क्या मतलब है यहाँ की थ्री डिग्री ले टू डिग्री ले या वन डिग्री अगर ले हम एल्किन तो वो स्पीड की जो ये हेलोजे रिएक्शन है उसकी स्पीड क्या होगी किस तरह से होगी ठीक है तो यहां पर थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री मैं बता देती हूं आपको क्या होता है थ्री डिग्री होता है आपका जैसे कि यहां पर सी आ, के साथ सी एच थ्री सी एच थ्री मैंने बना दिया ठीक है यहाँ पर एक हाइड्रोजन है दिस इज़ द थ्री डिग्री कि यहाँ पर क्या है कार्बन के साथ थ्री कार्बन मोर अटैचड है ठीक है अब क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर सी एच थ्री एंड सी एच थ्री दो ही है बाकी हाइड्रोजन्स है तो ये टू डिग्री एल्किन हुआ ठीक है अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर सी एच थ्री एंड दो नहीं सिर्फ एक सी एच थ्री है बाकी हाइड्रोजन्स हैं तो ये वन डिग्री एल्केन हुआ अब ये बता रहे हैं कि अगर थ्री डिग्री यहाँ पे एल्केन ले, ले और उसकी क्लोरीनेशन करवा दे तो उनमें से कौन सी किसकी स्पीड फास्ट होगी तो ये जो होता है इसमें से आपकी थ्री डिग्री की सबसे ज़्यादा फास्ट होती है और टू डिग्री की सबसे ज़्यादा उसके बाद वन डिग्री आता है फ्री रेडिकल क्योंकि देखो रीज़न क्या है क्योंकि जो फ्री रेडिकल होता है ना ये देखो इसमें जो मैकेनिज्म है उसमें क्या इन्वॉल्व है फ्री रेडिकल अगर इस हाइड्रोजन को हटा दे तो आपका थ्री डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा इसको हटा दो एक हाइड्रोजन को तो आपका टू डिग्री रेडिकल बनेगा ठीक है तो जो रेडिकल की स्टेबिलिटी है क्योंकि सारी जो भी स्टेबिलिटी वगैरह देखनी है इस रिएक्शन में आप किससे देखोगे फ्री रेडिकल तो जो रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो क्या है वो एक्चुअल में थ्री डिग्री रेडिकल स्टेबल होते हैं टू डिग्री से फिर देन वन डिग्री से ठीक है इसीलिए यहाँ पर भी थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री इसकी स्टेबिलिटी में अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द हलोजन अगर हम हलोजन चेंज कर दे इसकी जगह ठीक है तो इस रिएक्शन का रेट क्या क्या होगा जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए अलग अलग क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए मैं यहाँ रिजल्ट लिख रही हूँ अगर फ्लोरीन इस रिएक्शन के लिए लेके फ्लोरीनेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी फिर क्लोरीनेशन होगी फिर ब्रोमिनेशन होगी देन लास्ट में आयोडीन हो आय, आयोडीनेशन होगी जो कि वेरी वेरी स्लो है क्यों और आपको पता होना चाहिए जो ये फ्लोरिनेशन है ये हाईली जो एक्सप्लोसिव है एक्सप्लोसिव क्या है फ्लोरीनेशन F2 टू फ्लोरिनेशन क्योंकि क्या होता है कि जो फ्लोरिन जब बॉन्ड बनाता है इसके साथ जो सी एच थ्री एफ है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है उसी तरह से कम 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 होते जाता है इसी तरह से आयोडिनेशन अगर करोगे तो उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है अब आयोडिनेशन पे पर एक और क्वेश्चन बन जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्डिनेशन वैसे बहुत ज़्यादा स्लोर होती है फ्री रेडिकल ऐसा क्यों ऐसा इसीलिए कि सपोज अगर हमने ले लिया सी एच फोर ले लो ठीक है सी एच फोर में से मैं सी एच थ्री को इस तरह से लिख लेती हूँ ठीक है और मैं इसकी आर्डिनेशन करवाती हूँ वैसे ही उसी कंडीशंस पे फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे सी एच थ्री आई ठीक है और ये एक एच एंड एक आई बाद में एच आई निकाल दिया अब क्या होता है ध्यान से देखना जो ये रिएक्शन दिस इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसी जिस तरह से ये बनेगा ठीक है जिस भी जिस भी स्पीड से ये बनेगा उसमें क्या होता है जब भी एच आई बनता है तो वो क्या करता है वो रिएक्शन को रिवर्स कर देता है ठीक है जब रिएक्शन रिवर्स हो रही है तो एच ये जो आगे प्रोडक्ट की तरफ है रिएक्शन वो तो कम होगी ना सी एच थ्री आई बनेगा ही नहीं जब पीछे को रिएक्शन को धकेला जा रहा है तो इस इसका सॉल्यूशन क्या था कि हमें ऐड करना है एक हमें ऐड करना है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें ऐड करना था सो so दैट वो क्या करेगा वो एच के साथ रिएक्ट कर जाएगा सो so वो क्या होगा एच के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने कौन सा लिया यहाँ पे ये याद रखना है एच आई ओ थ्री भी हो सकता है और भी हो सकता है हमने एच आई ओ थ्री लिया ठीक है एच आई की रिएक्शन अब एच आई ओ थ्री के साथ अगर आप करवाओगे तो ये क्या है इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है इसको आई टू एंड वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है और रिएक्शन में हमारे पास आयोडीन एंड वाटर रहेगे अब क्या होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा जैसे ही आप ये ख़त्म कर रहे हो देखो इस चीज़ को ये प्रॉब्लम दे रही है ना तो आप इस चीज़ को अगर ख़त्म कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है अगर ये कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो ली चैटलियर के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है वो आगे को शिफ्ट करेगा सो दैट एच जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंटेन रहे ठीक है थीके? इसी वजह से हमारी ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो सकती है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन करेंगे